हर हर महादेव। OMG 2 जो कि रिलीज होने वाली है 11 अगस्त को अपने अलग ही शोर में, अपने अलग ही अंदाज में दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पर OMG 2 में अक्षय कुमार को लेकर जिस तरीके से प्रमोशनल वीडियो सामने आ रही हैं बैक टू बैक, भगवान शंकर का जो उन्होंने रूप धारण कर रखा है, इसके पीछे क्या है बात, आइए मैं आपको बताता हूं टीजर की बड़ी इंफॉर्मेशन। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरे नए चैनल राहुल भोज कॉमेडी को अभी तक नहीं देखा है तो, कमेंट सेक्शन में लिंक पिंग कर दिया है मैंने, तो जरूर जाइए और वहां पर भी ढेर सारा प्यार बरसाइए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों यहां पर अक्षय कुमार साहब ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि 11 तारीख को यानी कि 11 जुलाई को रिलीज कर रहे हैं हम OMG 2 का टीजर। एक्चुअली टीजर नहीं है टेक्निकली देखा जाए, हाँ टीजर ही होगा टीजर, और कह रहे हैं कि फिल्म जो है 11 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बवाल है और अक्षय पाजी इज किलिंग इट। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, भगवान शंकर का रूप धारण कर रखा है उन्होंने, नीलकंठ बना रखा है देखिए, और ये यहाँ पे तीसरी आंख भी धारण कर रखी है, लंबी जटाएं हैं और इट्स लुकिंग सो कूल। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये उनको, ये देखिए। सो बेसिकली OMG 2 में ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कि हम सबको पता है कि महाकाल जो है क्या कहते हैं हमारे भगवान शिव शंकर, तो महाकाल, उनको महाकाल भी कहा जाता है और ये महाकाल की नगरी उज्जैन में फिल्म शूट हुई है, राइट। और ऐसे में यहां पर क्या है, ये स्टोरी बहुत ज्यादा सस्पेंस के साथ बनी हुई है। मैं तो लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, जब मुझे पता चली बात तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। अक्षय पाजी का ये लुक, पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पिछली फिल्म में वो जो है भगवान श्री कृष्ण मतलब कि विष्णु जी बने थे, तो वहीं ऐसा लग रहा है कि यहां पर वो शिव शंकर बने हैं, बट मुझे ऐसा लगता है शिव शंकर यहां पर वो शायद कोई एक्टर है या फिर कोई परफॉर्मर है, जो कि अक्सर यू नो हम लोग देखते हैं बड़े छोटे छोटे शहरों में अक्सर होता है, जब पंडाल वंडाल सजते हैं वहां पे कलाकार होते हैं जो भगवान की वेशभूषा धारण किए होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होने वाला है खास। पंकज त्रिपाठी जी का इसमें बहुत खास रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, और यामी गौतम इसमें वकील बनी है। अब वो किसकी वकालत कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं, देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओवर एंड ऑल टीजर 11 तारीख को रिलीज हो रहा है, 10 तारीख को जवान का, 11 तारीख को OMG 2 का, भैया मजा ही आ गया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, कमेंट सेक्शन में जाएं जरूर बताएं कैसा लगा आपको टीजर, कितने एक्साइटेड है जो अपकमिंग टीजर है उसके लिए भी। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।